Om Swastiastu. स्टार्ट कर रहे हैं अपना डे रिवॉल्वर कैफ़े के साथ। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस कैफ़े है एंड इसको भी हमने बहुत ज़्यादा देखा था, तो अब हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम जहाँ जाने वाले हैं खाने के बाद आपको बताएंगे। सो गाइस, वी आर फाइनली डन विद आवर ब्रेकफास्ट और मैंने जो है चिकन टैकोस मंगाया था, अक्षय ने कुछ अपना मंगाया था मैक्सिकन समथिंग। फूड इज रियली गुड। यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे ना यू गेट एवरीथिंग, हर कंट्री का फूड यहाँ पे मिलता है एंड द क्वालिटी ऑफ फूड इज लाइक सुपर हाई क्लास। द क्वालिटी ऑफ फूड इज अमेजिंग, इट्स डिलीशियस, इट्स हेल्दी, हर कंट्री का फूड मिलता है। And we're done with the food and now we're having tiramisu. This is yummy. If you like the video, do subscribe to our channel or comment zarur kar. As you know, हम रिवॉल्वर कैफे में थे जहाँ खाना अमेजिंग था। इसके साथ में इनका ना शॉप भी है जहाँ पे ज्वेलरी है, कपड़े हैं एंड आई वांट अ टॉप फ्रॉम यू। यहाँ की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है कपड़ों की एंड अच्छे के अपने अपने शर्ट्स लिए हैं यहाँ से। तो इफ यू आर हियर नाउ इन रिवॉल्वर कैफे, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस ऑल्सो, बिल्कुल साथ में ही है। सो नाउ लेट्स गो टू अवर सेकेंड लोकेशन। तीन घंटा ड्राइव करने के बाद अब हम आ गए लिम्पुयांग टेम्पल में और हमने टिकट ले लिया है। दिस इज़ फॉर 90,000 बाहर ओनली फॉर द शटल बस, और टिकट जो है वो ऊपर जाके लेनी है। यहाँ तीन घंटे का ड्राइव करा और पता चलता ही नहीं है ड्राइव का कि तीन घंटे हो गए हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यार, जो रास्ता है बहुत मतलब वो है माउंटेन्स टाइप है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है ड्राइव करने में, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पे यार रोड्स बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो वैसे तो 2 hours 40 minutes दिखा रहा था बट हमें 3 घंटे लग गए बिकॉज बहुत धीरे धीरे चला रहे थे, क्योंकि सिंगल लेन के ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि रोड्स हैं मतलब बहुत पतली हैं, थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। तो अब चलते हैं ऊपर टेम्पल पर। सारोंग है अच्छे से पहनते हैं, ये अक्षय का है, मेन का अलग है, वुमेन का अलग है और सबको पहनते हैं, मैन और वुमेन और हैप्पी है। हमारे यहाँ से गंदी आते हैं इसके। अक्षय इधर देखिए, अक्षय इधर देखिए।
depend on you. You want to wear it or not? Yeah, yeah, sure, wear. But because other matching, sir, allow me. Next level, next level, next level. 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 This one or the other one? Transport motorbike on the train. How far? How much time for walking? This? Yes. टेम्पल में हमने एंट्री कर ली, बट वहाँ पे आपको जो टिकट मिलता है ना, तो उस पर आपका नंबर होता है। तो जो फेमस गेट ऑफ हेवन है, उसके लिए अराउंड ये कह रहे हैं 2 घंटा वेट करना पड़ता है आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। तो हमने कहा एक फ़ोटोग्राफर हायर कर लिया और उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं जो अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं आसपास, वहाँ पे हम अपनी फ़ोटो क्लिक करवाएंगे मैं और मेगा, और थोड़ा टाइम निकल जाएगा, फिर हम आ जाएंगे गेट ऑफ हेवन पे। तो थोड़ा सनसेट का टाइम भी हो जाएगा और फोटोज़ भी फिर उस टाइम अच्छी आएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के लिए। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एंट्री करने के लिए सरोंग है, ये पहनना पड़ता है। तो मैंने भी पहना हुआ, मेगा ने भी, इसके बिना एंट्री नहीं होती। तो अगर आपको भी है, जैसे फ़ोटो तो हर किसी को वेकेशन पे क्लिक करानी होती है, तो आपको फ़ोटोग्राफर बहुत सारे यहाँ मिल जाएंगे क्लिक कराने के लिए। तो यार अभी एक जीप से हम 10 मिनट लगा के आए हैं और अब थोड़ा ऊपर जाके 1 किलोमीटर है, एक और जीप करनी पड़ेगी। तो और ऊपर जा रहे हैं एक और जीप लेके, तो 2 जीप हम कर रहे हैं, 2 जीप फ़ोटो कराने के लिए। मेरे को लग रहा है अराउंड जब तक हमारा फ़ोटो सब होगा, तब तक हमारा टाइम भी हो जाएगा वहाँ पे जो गेट ऑफ हेवन है वहाँ फ़ोटो लेने के लिए। ठीक है, आप भी कर सकते हो फोटो। पेट हिल गया, मतलब इतने टूटे फूटे रास्ते हैं, पूरा पेट हिल गया 15 मिनट। जिनको हाँ ये भी होता है ना, ट्रैवलिंग करते हैं माउंटेन्स की तरफ, सिकनेस होता है ये सब, तो उनको तो मेडिसिन खा लेनी चाहिए। उनको तो पक्का वॉमिटिंग आ जाएगी अगर इतना ऊपर ऐसे चलेंगे। So we have finally reached the destination जहाँ पे हमारी फोटोज वगैरह क्लिक होंगी, और यहाँ से आई थिंक अगेन टिकट लेनी है, विच वी डोंट हैव टू पे, क्योंकि हमने इनको आई थिंक 4-5-8 प्लेसेस में हमारी फोटोज, इनमें 7 में ली है, तो ही पे फॉर इट, मतलब वो इंक्लूडेड है ऑब्वियसली 7 लाख में। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी शांति है, कितना सुकून है, दूर दूर तक आपको कोई भी घर वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ हिल्स, लाइक अ हिल स्टेशन। यहाँ पे थोड़ी ठंड भी है, थोड़ी सी, शाम को ठंड हो जाएगी यहाँ पे। गाइज, आर एक्सपीरियंस वॉज रियली बैड, क्योंकि जो हमने सोचा था वैसे नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, शाम को अगर आपको आना है तो यहाँ मत आओ, क्योंकि फ़ोटोज़ आती ही नहीं है, यू कॉन्ट सी योर फेस। यहाँ आना है तो सुबह सुबह आओ, यू नो, लाइक बिफोर 8 or 9 AM, तभी फ़ोटोज़ दिखाई देगी, तभी फेस दिखाई देगा। अभी तो सिर्फ वैसे ब्लैक फेस आएगा और कुछ दिखाई नहीं देगा फ़ोटोज़। तो शाम को तो मत आओ यहाँ पे, दिन में भी इनफैक्ट रिफ्लेक्शन से सन की फ़ोटोज़ नहीं आई। हम 3 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर, और हमें एक गाइड मिला जिसने कहा था
कि मैं आपको 7 प्लेसेस है जाऊंगा अलग अलग और आपकी फोटोज लूंगा. हमारा हुआ था 7 कितना 700 और उसने कहा था वो हमसे 700 लेगा एंड वी अग्री टू इट. बट हमें जगह ले गया पहली फोटोज ब्लैक आई वी कांट सी एनीथिंग फेसेस ऐसे पता ही नहीं कौन है खड़े. हम पहली जगह गए वहाँ पे फोटोज़ नहीं आई ब्लैक कुछ दिखाया नहीं. सेकंड प्लेस गए वहाँ पे भी नहीं आई. सो आई अंडरस्टूड कि हर जगह जाएंगे तो फोटोज़ आने वाली है नहीं और हमारा जो वेटिंग टाइम था क्यू का वो टेम्पल के वहाँ पे फोटोज़ का वो भी चला जाएगा हमारा. सो आई टोल्ड हिम कि हमें और जगह जाना ही नहीं है एंड आई टोल्ड हिम वेयर इज योर कैमरा. उसके पास कैमरा ही नहीं था वो हमारे फ़ोन से ही फ़ोटो खींच रहा. सो आई टोल्ड हिम कि मुझे आगे जाना ही नहीं है कहीं और हम वापस आ गए. सो ही मिसबिहेव्ड विद मी. ही स्टार्टेड सेइंग मुझे यू नो आई वांट माय मनी नाउ ये वो. आई टोल्ड हिम कि अभी ऊपर चलते हैं लेट्स टॉक देयर. वहाँ पे कोई होगा यहाँ पे कोई अथॉरिटी होगी जो सॉल्व करेगी इशू बिकॉज ही इज़ फ्रॉड. बट वहाँ पे एक हमें मिला एक लड़का उसी का फ्रेंड था एंड ही सेड कि वहाँ पे आपको हम उस पर ले गए हैं टैक्सी में उसका पेट्रोल लगा है एंड ऑल दैट. सो ही टुक आई गेव हिम 300K विच इज़ अ गुड डील. मतलब उसने कुछ भी नहीं करा उसको 300 रुपये 3 लाख रुपये मिल गए फ्री के. सो या एंड ही वाज थ्रेटनिंग मी कि वेयर इज़ योर ड्राइवर I'll wait here, I'll wait there. So I told the temple people कि वो ऐसे ऐसे misbehave कर रहा है. He's in the temple, he's worshipping goddesses. उसको सिखाओ कि you know goddesses से कैसे उसको सिखाओ कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं first of all. So if you're coming here, be aware of these people because they don't have camera. So अगर आपको उस जगह जा रहे हैं तो अपने खुद फोटोज़ खींचो और सुबह के टाइम. So now we are leaving for Uluwatu. एंड वहाँ पे देखते हैं कुछ खाएंगे डिनर करेंगे. यार 3 घंटे ड्राइव करने के बाद गेट ऑफ हेवन से हवा आ गया उल्लू में और अब हम फील स्टार्ट कर रहे हैं पार्टी के साथ. पीछे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइवली क्लब है. इसका नाम है हैच. ये भी हमने इंस्टाग्राम पे देखा है. अब हम यहाँ जाने वाले हैं और अंदर आपको से दिखाएंगे. अंदर बहुत नाव डर कैमरे से देखना है नहीं तो अंदर चलते और आप but you should definitely visit. I highly recommend.